नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। क्या बिहार एनडीए के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले बीजेपी के एमएलसी ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला, कहा कि बिहार की गद्दी सौंप दें, और अब सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया और उसको अचानक से डिलीट कर दिया। दरअसल वो ट्वीट क्या है और सुशील मोदी की पेज की स्थिति क्या है, इन दोनों चीज़ों पर को दिखाएंगे आपको। तो ये वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट है जो न्यूज़ फाउंडेशन ने आपके लिए रखा है। उसमें देखिए वो लिखते हैं कि @ नीतीश कुमार इज द कैप्टन ऑफ एनडीए इन बिहार एंड विल रिमेन इट्स कैप्टन इन नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन इन 2020। ऑल्सो व्हेन ए कैप्टन इज हिटिंग 4 and 6 एंड डिफीटिंग राइवल्स बाय इनिंग वेयर इज द क्यू ऑफ एनी चेंज। सवाल ये जो लगातार पूछा जा रहा है बीजेपी के एमएलसी की तरफ से, तो उस पर सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में एनडीए के कैप्टन हैं, यानी कि उनके नेतृत्व में बिहार एनडीए आगे बढ़ रहा है और ये रहेंगे भी अगले 2020 के जो विधानसभा के चुनाव राज्य में होने हैं वो। उसके बाद वो लिखते हैं आगे कि जब कैप्टन यानी कि नीतीश कुमार चौके छक्के से जो विरोधी हैं उनको लगातार परेशान किए जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है उनकी पारियों को लेकर के, यानी कि बैक टू बैक नीतीश कुमार ने जो जो मुख्यमंत्री बने हैं उसको गिनने की कोशिश की है इसमें। और उसके बाद लिखते हैं कि यहाँ पर किसी बदलाव की गुंजाइश कहाँ है। ये ट्वीट 11 सितंबर यानी कि आज का है, सुबह के 10:20 का ये सुशील मोदी ने ट्वीट किया। और उसके बाद ये ट्वीट है, न्यूज़ फाउंडेशन इस पर खबर लिखी कि सुशील मोदी ने माना कि 2020 में सुशील मोदी के जो हैं वो, यानी कि जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए ये अब इनका ऑफिशियल पेज है सुशील मोदी का, 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, 94 लोगों को फॉलो करते हैं जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। ये वेरीफाइड पेज है उनका, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है सुशील कुमार मोदी के नाम से। और देखिए यहाँ पर 1 घंटे पहले का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बिहार के में जो प्रियंका गांधी को लेकर कुछ हमले किए थे उसको लेकर के बातचीत है, और कल का एक ट्वीट है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एक ट्वीट था वो ट्वीट यहाँ से गायब है। सवाल इसलिए क्योंकि अचानक से ट्वीट करना और उस ट्वीट के बाद अचानक से रोल बैक कर जाना, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि न्यूज़ फाउंडेशन एक तस्वीर आपको और दिखाएगा कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो सीएम हाउस है वहाँ से एक तस्वीर आई है थोड़ी देर पहले, और ये जो है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट की जो बैठक एक अन्य मार्ग में चल रही वो बैठक की तस्वीर है। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुशील मोदी हैं, यहाँ पे नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्य सचिव समेत तमाम वाला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बैठक चल रही है, बैठक के बीच में ही, बैठक शुरू होने के ठीक पहले का ये ट्वीट, और ट्वीट के कुछ मिनटों के भीतर ही इस पूरे ट्वीट को अचानक से रोल बैक कर लेना, डिलीट कर लेना, ये बता रहा है कि शायद एनडीए के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। न्यूज़ फाउंडेशन ने कल भी एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और जिस तरीके से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और सबसे ज़्यादा वोट लाने वाली पार्टी बिहार के अंदर में बनी है, तो इसको लेकर के खींचतान भी जो है वो स्पष्ट है। लेकिन सुशील मोदी हमेशा से नीतीश कुमार की अगुवाई में चलना पसंद करते रहे हैं, लेकिन जब आज एक ट्वीट किया और 15 मिनट के एक टाइम फ्रेम के बाद उस ट्वीट को जब उन्होंने डिलीट किया, तो जाहिर तौर पे सवाल खड़े इस बात को लेकर होने लगे हैं कि क्या बिहार में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या ये इस बात के संकेत हैं कि आने वाले कुछ वक्त में बिहार की जो में जो एनडीए सरकार है वो एक बार दोबारा से अलग हो सकती है। बड़ा सवाल ये, और इन सवालों का पर जो है लगातार चर्चा जारी है। न्यूज़ फाउंडेशन इस पर जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएगा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफों के जो पुल बांधे थे जिस ट्वीट को, उसको महज 15 मिनट के अंदर उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज से डिलीट कर दिया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।